हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ दैट्स जनरली आस्क इन वेरियस कंपटिटिव एग्जामिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स ठीक है यू वाल नो अबाउट द डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि वेराइटी एट ए प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम एट ए पार्टिकुलर एरिया ठीक है वैराइटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक पार्टिकुलर जगह पे एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर सॉइल में या कितने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं अगर हम एक किसी फील्ड में जाएँ रैंडमली वहाँ से एक मोटीवर पर सॉइल लें या एक पार्टिकुलर रेंज में कि एक किलो सॉइल लेते हैं एक पार्टिकुलर एरिया एक मतलब एक स्पेशल एरिया से मतलब उसका भी काउंटिंग हो कि इस वन क्यूब मीटर से ठीक है या वन हेक्टेयर से या जो भी आपके एरिया में चलता हो उसका मेजरमेंट आप दी लैंड उसे ले और उसमें एक पार्टिकुलर टाइम पे हम ये देखेंगे कि कितने लिविंग टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी इन ए एरिया इन ए पार्टिकुलर टाइम इन ए पार्टिकुलर स्पेस ठीक है तीन चीज़ें होती हैं तो ये तो हुई डाइवर्सिटी ठीक है जिसे हम बोलते हैं वैरायटी उसमें पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो नंबर्स होती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पाया जाना कहलाता है डाइवर्सिटी बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से क्लियर होता है कि वाट इज इकोलॉजी इकोलॉजी होता है द इंटरेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट ठीक है और इस तरीके का जो कॉम्पोजिशन बनता है इन्वायरमेंट में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के साथ उस सिस्टम को क्या बोला जाता है इकोसिस्टम ठीक है तो पहले ऑप्शन में बोला जाता है कि डायवर्सिटी एट इकोलॉजिकल लेवल लाइक ग्रुप्स वर्सेस कोरल रीफ ग्रुप एक टाइप का वेजिटेशन होता है जो अपने आप में एक टाइप का इको बनाता है दूसरा कोरल रीफ भी एक टाइप का इको होता है कोरल रीफ जो होते हैं नॉर्मली सिलेंट्रेट्स के मेम्बर होते हैं और इनके अंदर इनकी जो कैबिटीज बनती हैं इन द बॉटम ऑफ द ओशियंस जिसमें बहुत सारे बर्टिबरेट और इनबर्टिब्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं मतलब दैट्स कैन सेम कि एक टाइप का इकोसिस्टम है कोरल रीफ और दूसरा इकोसिस्टम हो गया मैन ग्रूप्स ठीक है दूसरे ऑप्शन में कह रहा है डायवर्सिटी ऑफ़ स्पीसीज इन एन इकोलॉजिकल एरिया देखिए यहाँ पर डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज की बात कर रहा है इसका मतलब ये बायोडावर्सिटी की बात कर रहा है ठीक है ऑप्शन सी में कह रहा है कि स्पीसीज माइट सो हाई डायवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ठीक है तो भी इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करिए तो ये भी एक टाइप का मतलब जो नॉर्मल बायोडावर्सिटी होता तो है उसका टाइप है ठीक है इसमें कहा गया केवल स्पीसीज की डाइवर्सिटी ये भी बायोडाइवर्सिटी हो गई ठीक है और आलाब्दी अब तो इसमें आप देखें इकोलॉजिकल जो टर्म लगा है उससे क्लियर हो रहा है कि इकोलॉजी का मतलब है इकोसिस्टम कि कितने टाइप के इकोसिस्टम इस पूरे प्लेनेट में पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो डाइवर्सिटी एट इकोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम का पाया जाना ऑन दिस प्लेनेट ऑन दिस प्लेनेट मतलब अर्थ पे ठीक है तो करेक्ट आंसर गाइज है इसका ऑप्शन ए कि डाइवर्सिटी एट इकोलॉजिकल लेवल लाइक मैन वर्सेस वर्सेज कोलर रेफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाट इज इकोलॉजिकल इफिशियंसी सेम वही पैटर्न है इकोलॉजिकल एफिशियंसी का मतलब होता है इसमें भी इकोलॉजिकल टर्म्स आया इकोलॉजी का मतलब फिर हम आते हैं इको सिस्टम पे ठीक है इकोलॉजी से कंसर्न होता है इको सिस्टम में और इको सिस्टम में पाए जाने वाले बायोटिक एंड एवायोटिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी ठीक है तो एफिशियंसी का मतलब होता है कि कैपेसिटी किसी कुछ भी टू डू ठीक है समथिंग वो कैपेसिटी जो होती है उसे एफिशिएंसी बोला गया है यहाँ पे अब इस एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे कराया कि इकोलॉजिकल डिफिशेंसी कौन सा मतलब मीनिंग है इसका इसमें देखिए द एफिशिएंसी विद विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल इट इज़ वेरी कॉमन पॉइंट की जो इकोसिस्टम जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसके बारे में कई सारे ला जैसे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का ला लगता है इकोलॉजी में सेकेंड ला उसके बाद उसमें इकोलॉजी का एक प्रॉपर ला है जैसे बोलते हैं टेन परसेंट एनर्जी लाविन बाई दैंडमैन ठीक है एक तो जो दो इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन देखें बी की एफिशियसी विद विच पॉपुलेशन कि एक ऐसी एफिशिएंसी जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज का मतलब होता है रिप्रोडक्शन तो या रिप्रोडक्शन की तो बात नहीं कर रहे हम हैं हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है ऑप्शन सी में कर रहा है एफिशिएंसी विद विच एनर्जी इज स्टोर्ड

ठीक है इस पॉइंट आप जो सिंपल सा आंसर आपका क्लियर हो जाता है कि इको एफिशेंसी विद विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ठीक है जैसे एक टॉपिक हम बनाते हैं पूरा इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल वन टू थ्री तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर हो रही है मतलब यहाँ पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म से एनर्जी का जो अमाउंट इस लेवल पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के पास मूव कर रहा है ठीक है ये जो कैपेसिटी है यहाँ से ट्रांसफर होने की दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर ठीक है ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट हो गया ये ट्रैफिक लेवल टू हो गया ये ट्रैफिक लेवल थ्री हो गया तो इस तरीके से हम कहें कि एक ट्रैफिक लेवल से कितना अमाउंट एनर्जी का नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मूव कर रहा है ठीक है इसकी जो पावर होती है ऑर्गेनिक के पास उसे हम बोला जाता है इकोलॉजिकल एफिसंसी तो गाइज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन की व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन सक्सेशन सबको पता है सक्सेशन कहीं भी हो सकता है बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हो सकता है ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है कि एक लेयर ट्रांसफर टू अनदर लेयर बट यहाँ भी टर्म्स इकोलॉजी का यूज़ किया गया तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब आता है कि दोनों कौन से बायोटिक और ए दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव होना चाहिए जिसमें इकोलॉजिकल चेंजेस भी बायोलॉजिकल चेंजेस भी दिखती हों और ए बायोलॉजिकल भी मतलब बायोटिक और एबायोटिक चेंजेस दोनों दिखती हैं उसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेसन तो ऑप्शन वन को देखिए ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन अकर्स इन ए गिविन एरिया देखिए इसमें दो बातें दी गई हैं स्पीसीज कॉम्पोजिशन देखिए बायोटिक हो गया और गिविन एरिया का मतलब हुआ एक ऐसा एरिया एक एरिया है जहाँ पे उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर वहाँ पे उसे अफेक्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये ए बायोटिक पॉइंट हो गया और ये बायोटिक पॉइंट हो गया ठीक है सेकेंड ऑप्शन में कहा गया कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फ्यू बायोटिक न्यू बायोटिक कम्युनिटी इन ए वेरी फास्ट इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज देखिए इसमें दोनों टर्म जो है बायोटिक की बात करेगा कहीं पे ये नहीं कहा गया कि ये बायोटिक कंडीशन कहाँ पे तीसरे में बोला गया है नंबर्स ऑफ नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल रिमेंस कौन सा देखिए इसमें भी बायोलॉजिकल ओनली बायो की बात करेगी एनिमल्स इसके बाद कह रहा है कि चेंजेस लीड तो टू ए कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्वेरियम विद इन्वायरमेंट एंड इज कल इन्होंने खुद डिफाइन कर रखा है पॉइंट कम्युनिटी को तो उसमें हम बात ही नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इससे क्लियर होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन अकर्स इन ए गिविन एरिया दो बातें हो गई कि स्पीसीज में चेंजेज हो विद इन ए गिविन एरिया ठीक है तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है नेक्स्ट पॉइंट तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आल्सो क्वेश्चन नंबर फोर कि हम अगर बात करें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इकोलॉजिकल फार्मिंग की बात करता है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ़ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग फार्मिंग तो अब पता है आपको एग्रीकल्चर कृषि जैसे बोलते हैं हिंदी में और इकोलॉजिकल टर्म फिर फोर्थ क्वेश्चन में सेम बाई कंडीशन है इकोलॉजिकल वर्ड यूज़ करा गया है इसमें कि इकोलॉजिकल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि एफर्ट टू चेंज क्लाइमेट क्लाइमेट को चेंज करने के लिए साइंटिस्ट या एक जनरल लेवल पर जो एफर्ट हो रहे हैं उन्हें कहा गया है दूसरे में कहाता है कि स्मार्ट फूड प्रोडक्शन एंड यील्ड्स कि हमारा फूड का प्रोडक्शन को स्मार्ट तरीके से बढ़ाना थर्ड कह रहा है इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट पेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारे जो फील्ड्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो उसमें जो बीमारियाँ लग जाती हैं उनका मैनेजमेंट का जो तरीका है उसके बारे में बात करता है और फोर्थ में कर रहा है बायोडावर्सिटी क्वेश्चन को पढ़ने का एक, एक बार दोबारा से क्योंकि इसमें नाट का यूज़ कराया गया वो देखना है आपको विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग मतलब इकोलॉजिक फार्मिंग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें से एक जो इसमें दिया है आउट ऑफ फोर वो उसका प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है क्या पार्ट नहीं है ये आपको सर्च करना है तो इकोलॉजिकल फार्मिंग वही चीज़ होती है जिसमें हम फार्मिंग इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल एक न्यू टर्म से फार्मिंग को थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म कह सकते हैं तो जैसे फार्मिंग होता है कि स्मार्ट फूड प्रोडक्शन एंड रीड्स तो क्लियर है इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट कि उसमें जो बीमारी को कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं तीसरा है कि बायोडावर्सिटी कि उसमें से जो पेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि हमारा क्रॉप भी बचा रहे और उसमें जो इंसेक्ट वगैरह जो है डैमेज कर रहे हैं वो भी बचे रहें और हमारी क्रॉप उनसे बच के और हम किसी की लाइफ को अफेक्ट ना करें ना बायोलॉजिकल दोनों तो बायोलॉजिकल है हमारा क्रॉप भी बायलॉजिकल है और वहाँ पे जो अफेक्ट करने वाले पेस्ट हैं जो इंसेक्ट है वो भी बचे रहे ठीक है थीके? तो इसका सिंपल सा क्लियर जो आंसर है एफर्ट टू तो क्लाइमेट चेंज जो है इसका पार्ट नहीं है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है ठीक है क्योंकि इकोलॉजिकल फार्मिंग का मतलब है हमारा प्रोडक्शन ईल्ड बढ़ जाए इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट हो जाए और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे मतलब क्या है कि प्रिंसिपल का मतलब उसके जो सिद्धांत हैं उसमें ये चीज़ कहीं भी नहीं है कि हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए पेस्ट को जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट माइक्रो है, ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया वायरस उन्हें उनको किल ना करें हम ठीक है और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पर एफर्ट टू चेंज क्लाइमेट चेंज एफर्ट टू चेंज क्लाइमेट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर आल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल प्रामिड्स इकोलॉजिकल प्राइमेड इज वेरी स्मॉल टॉपिक एंड दैट स्टार्ट विद द ट्वेल्थ वेरी वेल ठीक है ट्वेल्थ के बाद से हर बच्चा इकोलॉजिकल पारामिट को पता चलता है कि प्राइमेड तीन टाइप के होते हैं प्राइमेड ऑफ एनर्जी प्रायामड ऑफ बायोमास एंड बायोमासड ऑफ नंबर ठीक है प्राइमेट का मतलब इस तरीके से जो होता नहीं मिश्र के पारामिड इस तरीके की प्राइमेट स्ट्रक्चर बन गई तो इसमें कह रहा है कि इकोलॉजिकल प्राइमेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टर में सर्च करना है तो तीन तरह के पैरामीटर होते हैं नंबर एनर्जी एंड बायोमास के ठीक है तो पहले मैं कह रहा है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यूनिवर्सल है मैं बता दे रहा हूँ कि एनर्जी का जो पैरामीटर होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है हमें कोई चांस सर्च करने का उस पर डिस्कस करने का बनता ही नहीं है ठीक है कि जो पैमिमि ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है तो इसमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो हम इसमें एकदम आँखें बंद करके लगा सकते हैं पैमिट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बट ना ऑप्शन डी भी दिया हुआ कि द एवब कि हो सकता है कि बी और सी भी ठीक हो तो हमें सर्च करना है कि बी सी में से कोई ठीक है क्योंकि ये तो करेक्ट है क्योंकि एनर्जी का पैामिड अपराइट होता है ठीक है अब दूसरे में देख लेते हैं पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास लैंड इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन्वर्टेड का मतलब है कि जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया इसे हम उल्टा कर दें दैट्स लाइक कहने का मतलब है सबसे पहले टॉपिक लेवल पे नंबर ज़्यादा हो क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है नंबर के बारे में तो नंबर सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो उसके बाद उससे कम यहाँ पे हो और सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे हो तभी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्या तो हम देखते हैं ग्रास लैंड क्या होता है एक फील्ड होता है ग्रास लैंड ठीक है ग्रास लैंड मतलब हमारा क्रॉप एग्रीकल्चर क्रॉप का फील्ड तो सबसे ज़्यादा इसमें एनिमल जो होते हैं एनिमल या प्लांट है माइक्रो वो वहाँ पे होते हैं जो प्लांट क्रॉप्स होते हैं वो सबसे पहले पहले टॉपिक लेवल पर होते हैं फिर उसके ऊपर उन्हें खाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ठीक है वो सेकंड में होते हैं जो पहला हो गया दूसरा हो गया उसके बाद जो बहुत टॉप लेवल पे है और कम हो जाएंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे ज़्यादा जो हैं वो कम यहाँ पे हो उसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कैन नेवर पॉसिबल कि ग्रास लैंड में प्राइमेट ऑफ नंबर जो हो वो ऑलवेज़ इन्वर्टेड है कभी पॉसिबल नहीं है ठीक है अच्छा दूसरे में कह रहा है तीसरे में प्राइवेट ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड बायोमास का प्राइमेट भी इन्वर्टेड हो जाए ठीक है कि सबसे बायोमास सबसे ज़्यादा नीचे पहले ट्रॉपिक लेवल पर उसके बाद दूसरे पे उसके सबसे कम तीसरे पे आलवेज की बात करें प्राइमेंट ऑफ ऑलवेज इन्वर्टर ये गलत है क्योंकि ऑलवेज तो केवल एक ही वार्ड यूज करता है वो करा जाएगा एनर्जी में ठीक है तो इससे ये क्लियर हो गया कि ना तो बी सही है और ना ही सी सही है क्योंकि ऑलवेज कटअप ना तो इन्वर्टर के लिए बाय नंबर के लिए यूज करा जा सकता है ना बायोमास के के केस में कभी भी कहीं पर भी हम अगर हम सर्च करें तो ऑलवेज यूज नहीं करें क्योंकि इनकी कंडीशन दोनों जगह पर इन्वर्टेड भी हो सकती है और अपराइट भी हो सकती है बट एक ही पोजिशन है केवल हमारे पास एनर्जी केस में जो प्राइमेट होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है कहने का मतलब हुआ कि जो बेस पे एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का लेवल पहले लेवल कंपेयर में कम हो जाएगा और तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी का लेवल होगा वो उससे भी कम हो जाएगा जैसे कि हम कहते हैं टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी कि पहले ट्रॉपिक लेवल की जो एनर्जी है उसका केवल टेन परसेंट जो है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाएगी और दूसरे से तीसरे पे केवल टेन परसेंट जाएगी इसका मतलब हुआ ये रूल कभी भी गलत नहीं हो सकता कि पहले ट्रॉपिक लेवल्स की एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल के कंपेयर में ज़्यादा होगी और दूसरे ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी तीसरे लेवल से हमेशा ज़्यादा होगी तो इस तरीके जो प्राइमेट क्रिएट होगा वो इस तरीके का होगा जो हम बता चुके हैं इस तरीके से कि सबसे पहले बेस पे उसके बाद सेकेंड पे उसके बाद थर्ड पे ठीक है तो ये वाला पॉइंट जो है प्राइमेट ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज ऑफ राइट इज करेक्ट आंसर ओके तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर नेक्स्ट पॉइंट है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वेरी तो गुड आंसर क्वेश्चन लखीमपुर खीरी कानपुर रामपुर एंड बरेली इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने नहीं सुनी होगी मगर अगर हम बोले आपसे कि दुधवा नेशनल पार्क तो आपने सुना होगा आप कहेंगे लखीमपुर खीरी में तो आप देखें दुधवा नेशनल पार्क मैंने बताया कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बायोस्फीअर रिजर्व्स ये तीन चीज़ें हो रही हैं ठीक है और भी होती है रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ठीक है टाइगर रिजर्व्स होते हैं बट जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में बात की जाती है वो तीन है नेशनल पार्क बायोस्पियर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इन तीनों में से आप ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो होता है नेशनल पार्क और नेशनल पार्क जो होता है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी में होता है जैसे कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व दोनों नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो सकते हैं बट कभी भी नेशनल पार्क जो होता है वो ना तो बायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट होगा ना बायोस्फेयर रिजर्व में कन्वर्ट होगा इट इज़ वेरी फंक्शनल रूल आप यहाँ पर ध्यान रखें कि नेशनल पार्क हैव हाई प्रॉरिटीज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी देयर ठीक है जो भी वहाँ पर लोग हैं एनिमल्स हैं हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क में जो सिक्योरिटी और जो रूल्स होंगे वो एज कम्पेयर टू बायोस्फेयर रिजर्वस एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी जैसे कैसे वहाँ पर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या फिर लोगों का कोई भी नेता टाइप का पॉलिटिशियन से बड़े से बड़ा उसी एंट्री ज्यादातर प्रोहिबिटेड होती है बहुत स्पेसिफिक एरिया में अलाउड हो सकती है नॉर्मली एनर्जी जो उनकी एंट्री होती है उसमें बंद होती हैं ठीक है जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और वायस्पेयर रिजर्व में यह एंट्रीज और वहाँ पर ग्रेजिंग और लोगों का आना जाना कुछ एरिया में थोड़ा सा कामन होता है और बहुत ईजिली वहाँ परमिशन मिल जाती है बट इन केस ऑफ नेशनल पार्क इट इज़ वेरी टफ जॉब ओके okay. तो अब यहां पर क्वेश्चन जो है कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है ठीक है तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्लियर हो रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में उसी का एक पार्ट उसी के इंटीरियर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे हम बोलते हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सेम इसका आंसर होता है कि किसनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेड इन लखीमपुर खीरी नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज एंड फंजाई आप नेचर बिलोंग टू इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कह रहा है कि इनकी नेचर बताइए कि बैक्टीरिया कैसे सेप्रोफिटिक नेचर एक्टोलोमासज़ कैसे सेप्रोफिटिक नेचर और फंजाई कैसे सेप्रोफिटिक नेचर इन तीन कैटेगरी में जो लोग इसमें दिए गए हैं बैक्टीरिया एक्टोलोमासिटीज़ एंड फंजाई ये और भी नेचर के हो सकते हैं बट यहाँ पर जो इनका स्पेसिफिक तीनों के साथ एक बात में बाउंड कर दिया गया है ना कि सेप्रोफिटिक नेचर के ठीक है तो सेप्रोफिटिक का मतलब समझ रहे हैं कि आप डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल लेना ठीक है तो ऑप्शन क्या है इनके लिए रिड्यूसर प्रीडेटर्स ट्रांसड्यूसर नन ऑफ दिए हमें तीन पर डिस्कस करना है रिड्यूसर क्या होते हैं कि बड़े बड़े मालिक्यूल को छोटे में तोड़ देते हैं यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसर्स के लिए एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज करा जाता है जो सबको पता होगा रिड्यूसर को डिफाइन करना थोड़ा सा टफ है डेफिनेशन सेम है मगर ये टर्म्स है डिफरेंट टर्म्स है इसके लिए डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े पार्ट्स को इसमें हमें ब्रेक कर देना जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है कोई एनिमल मरा हुआ पड़ा है उसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं बिल्कुल डिजोल्व नहीं कर रहे हैं कि उससे नाइट्रोजन ना अलग कर दिया ऑक्सीजन अलग कर दिया फास्फोरस अलग कर दिया ये नहीं करेंगे वो केवल उस पार्ट को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना है ठीक है रिड्यूसर का मतलब होता है बड़ी चीज़ को छोटे चीज़ में कन्वर्ट करने वाले जो भी लोग होंगे वो रिड्यूसर कहलाएंगे ठीक है और साइप्रोफिटिक नेचर का मतलब कि ऐसे माइक्रो आर्गेन दैट ऑप्टेन देयर फूड मटीरियल फ्रॉम द डेड एंड एंडकिंग ऑर्गेनिज प्लांट एनिमल जो भी वटेवर है उनसे लेते हैं तो इसमें सिंपल सा अच्छा करेक्ट आंसर है रिड्यूसर क्योंकि वो साइज़ को रिड्यूस करते हैं और सब प्रोफिटिक नेचर की वजह से ठीक है इसके अपोजिट एक टर्म होता है इसके वेंजर्स। इसके स्केवेंजर्स वो लोग होते हैं जो डेड एंड डेढ़ से ही फूड मटेरियल लेते हैं अपना बट उसे उस लेवल तक रिड्यूस कर देते हैं कि वो बिल्कुल उससे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे उसकी बोन्स अगर उसमें हैं तो उनसे उसमें प्रेजेंट फास्फोरस को रिलीज करके में पहुंचा देंगे उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन को रिलीज करके एयर में मूव करा देंगे उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन को एयर में डाल पहुँचा दे उस लेवल तक की बिल्कुल उसका नामोनिशान खत्म कर दें तो वो कहलाते हैं इसके ठीक है और उसे स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने वाले जो माइक्रो आर्गेनिम्स हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसर्स एंड अदर टर्न फॉर दैट डिकम्पोजर्स ओके तो बैक्टीरिया एक्नोमासप्रोफिटिक नेचर बिलोंग टू आप रिड्यूसर्स ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ध्यान रखें ये डिकम्पोजर्स का ही दूसरा नाम है डीकम्पोजर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए इको सिस्टम कैन बी कंजर्व बाय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे इको सिस्टम कैन बी कंजर्व कंजर्व का मतलब सुरक्षित प्रिजर्व करना कंजर्व और प्रिजर्व दोनों एक ही टर्म्स होते हैं कि इको सिस्टम कहाँ पर कंजर्व किया जा सकते हैं देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में करे जाएंगे जर्म प्लांट बैंक में करे जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में करे जाएंगे या नेशनल पार्क में करे जाएंगे ठीक है इको सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों हर तरीके के और वो अपने इन्वायरमेंट से इंट्रैक्ट भी रहते हों उनका पूरा सिस्टम पूरी तरीके से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उन्हें अफेक्ट करते हो उसके बावजूद उनकी पूरी प्रॉपर फंक्शन चलता है उनकी लाइफ रिप्रोडक्शन ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देयर ठीक है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ठीक है ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन होता उसे है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम तो यहाँ पे कहा कि इकोसिस्टम कैन बी कंजर्व्ड बाय तो बायोसव रिजर्व आपको पता है बायोस्वे रिजर्व सेम जैसा बताया था कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फेर रिजर्व तीन चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? जर्म प्लस बैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क ठीक है तो बायोस्फेर रिजर्व का मतलब है कि जो हमारी लाइफ का मोस्टली जो चीज़ें हम कहाँ रह रहे हैं हम सभी लोग कहाँ रहते हैं बायोस्फेयर में अर्थ का पूरा जो बताया गया उसमें तीन है लिथोस्फियर बायोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर तो उसमें जो लाइफ है वो बायोस्फेयर में रहती है और इको में क्या है लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज प्लस देयर इन्वायरमेंट तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर इसकी पॉइंट आप पीछे क्या हो गया बायोस्र रिजर्व्स ठीक है गाइज तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर आल्सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन उत्तर प्रदेश कि किस टाइप की क्लाइमेट उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ठीक है तो उत्तर प्रदेश में ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है बायोलॉजिकल साइंस का यहाँ पे पाई जाती है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होती है जहाँ पर रेनफॉल भी खूब हो ठीक है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएँ ठीक है उसके साथ ही वहाँ पे एक अमाउंट में हाई सनलाइट एरिया भी हाई सनलाइट की सीजन भी होती हो तो ये तीनों चीज़ें उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती हैं और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो ट्रॉपिकल मानसून ठीक है मतलब तीनों चीज़ें की वो होती है वहाँ पर कि लाइट भी हो एक अच्छा टाइम सन वाला हो और एक अबंडेंट रेनफॉल भी हो जैसे कि अपने एरिया में होती है ठीक है यहाँ का जो स्पेशल ये है ट्रॉपिकल मानसून में कि जो एक्सपीरियंस करते हैं एक टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट दी दाम टेम्परेचर थ्रू आउट दी ईयर वो सब चीज़ें तो होती है जो जमने कहा बारिश होती है मगर थ्रू आउट तो बाराम टेम्परेचर को फील करते हैं हम लोग तो इस तरीके से ट्रॉपिकल मानसून इज क्लाइमेट ऑफ दी उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज द फॉरेस्ट फाउंड इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश सेम क्वेश्चन द फॉरेस्ट फाउंड इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो यहाँ पे चार तरीके के फॉरेस्ट ऑप्शन में दिए गए ट्रॉपिकल डिस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट ठीक है तो सबसे पहले हमें आइडिया करना पड़ेगा कि कौन कौन से इनके डेफिनेशन क्या होती है ट्रॉपिकल डेसिडोस डेसीडोस का मतलब होता है कि जिसमें एक पतझड़ होता है एक टाइम के बाद लीफ गिर जाती है फिर उसके बाद स्प्रिंग आता है तो न्यू लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है ये डेसीडोस कलाता है एवरग्रीन क्या होती है कि उसमें एक ही लीफ जो है वो लगी रहे लॉन्ग टाइम तक वो बिल्कुल डेड हो जाए उन्हें कोई एनुअल साइकिल ना हो मतलब ग्रो करने की और फॉल करने की ठीक है वो आपके एवरग्रीन कहलाते हैं उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं माउंटे से मतलब माउंटेन से जो मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं ठीक है उन्हें माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं मतलब जो एक एरिया ऊंचाई पे पाए जाते हैं उन्हें माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाता है ठीक है इसमें थोड़ा सा कुछ, कुछ करेक्टर्स अगर हम इसकी बात करें तो ये एक मॉडरेट टाइप की एलिवेशन पे पाए जाते हैं नॉर्मली कोल्डर क्लाइमेट में ठीक है इनका जो इफेक्ट होता वो है वो कोल्डर क्लाइमेट के थ्रू इफेक्ट होते हैं रेनफॉल भी इसमें होती है और इसके बाद आया मैनग्रोव तो मैनग्रू हम बता चुके काइंड ऑफ वेजिटेशन जैसे इंडिया में बोले तो सुंदरवन वेरी गुड एग्जाम्पल आते हैं मैनग्रोव वजिटेशन का ठीक है तो बिहार और आप समझ सकते होते कि भाई मैनग्रो में आपको उत्तर प्रदेश तो और बिहार में तो पाए नहीं जाते हैं ठीक है बंगाल में पाए जाते हैं हम बिहार तक की बात कर रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे माउंटेन्स नहीं पाए जाते नॉर्मली ठीक है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकलीवर ग्रीन फॉरेस्ट ये ये ऐसे फॉरेस्ट हमारे हम देखते हैं ना आपने कि लीफ गिर जाती है टाइम के बाद तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ओके गाइस तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए सभी क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट Okay guys thank you very much and subscribe like and share to my YouTube channel biology plus okay thank you